नमस्कार, इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम पानीपत टोल प्लाजा से दिखा पा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो है किसान यहां पर पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले के साथ। लाइव तस्वीरें आप पानीपत टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो है किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें पानीपत टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त ये तस्वीरें आप पानीपत टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम नेता हैं, अन्य जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो तस्वीरें हम आपको ला रहे हैं। पानीपत टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज किसानों का टोल फ्री का ऐलान किया गया था, और उसी के चलते जो है की ओर से जो है काफ़ी संख्या में जो है ट्रैक्टरों पर जो है किसानों का काफिला यहां पर पहुंचा है। पानीपत प्लाजा से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। चारों तरफ जो है किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। किसान जो है ट्रैक्टरों के साथ जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार जो है तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं। खबर का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम खबरें हम पानीपत टोल प्लाजा से लगातार जो है किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पानीपत टोल प्लाजा से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है करनाल की ओर से जो है किसान यहां से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो Oh,
देख सकते हैं कि लगातार जो है किसानों द्वारा यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। संख्या है वो 500 700 या हजारों में भी हो सकती है बताया जा। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है किसान लगातार दिल्ली पर है, तस्वीरें देख सकते हैं। सरकार विरोधी नारे यहां किसानों द्वारा लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है दिल्ली की तरफ किसान कूच करते नजर आ रहे हैं। किसान जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी खबर आपको पानीपत टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और जो है आज काफ़ी संख्या में जो है किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पर रुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखा दें। पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर है। देख सकते हैं कि कुछ किसान जो है यहाँ पर पर रुके हैं लगातार जो है प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। कुछ जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार जो है किसानों द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार जो है दिल्ली की ओर किसानों का जो है कूच किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और बाइकों पर जो है गाड़ियों से जो है लगातार किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है।
आ जाओ आ जाओ। कुछ किसान जो है गाड़ी में यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? पंजाब से, मोगा जिला। हाँ, हमारा लंगर लगा हुआ है, 15 रोज हो गए हमारे को गए हुए वहाँ दिल्ली में। संघर्ष चल रहा है शांतमय तरीके से, और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बातें मानेगी और जित हमारी किसानों की होगी, मजदूरों की होगी। आप आज दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं। कई बार भी जो है सरकार के किसानों की बात हुई, बात सहमति नहीं हो पाई, क्या कहना चाहेंगे? सहमति नहीं हुई सरकार, हम कहते हैं किसान सरकार को क्या है, सरकार को कानून रद्द करे। सरकार को क्या इसमें क्या कोई नुकसान थोड़ी है सरकार का, किसानों का नुकसान है। अज तक इन्हें कानून रद्द, नुकसान क्या है किसानों को है? नुकसान क्या है किसानों को? किसानों का तो फायदा ही फायदा, सरकार का की नुकसान है? जो रद्द कर दे सरकार, कानून रद्द करे, अज तक इन्हें रद्द करे, रद्द करने पैणगे। अज नहीं तो कल मोदी नु किसानों की बात सुननी पेगी। तो ये जो किसान है लगातार जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, कुछ और किसान यहाँ पर रुके, उनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली की तरफ? पंजाब से आए हैं, जिला फरीदपुर, महू से, किली बोतला पिंड। क्या कहना चाहेंगे जो ये बिल है इनको किसान सरकार जो है रद्द नहीं कर रही और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, जोर लगाई जाने हैं, रद्द करा के छेंगे, रद्द तो कराएंगे ही। रद्द नहीं होते बिल तो आप पर क्या असर पड़ेगा? सर असर तो बहुत पड़ेगा, लोग मारे जाएंगे यार, पड़ेगा कि हम ही जाएंगे रात, बहुत नुकसान होएगा जो बिल नहीं होएगे पास। सरकार आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? मानेगी सरकार जो है। किसान दिल्ली की ओर यहाँ पर कूच करते नजर आ रहे हैं, कुछ और किसान यहाँ पर काफिले ट्रैक्टरों के काफिले के साथ आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की जो है कोशिश जो है जरूर करेंगे। तमाम अपडेट्स हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको दे रहे हैं। कुछ और किसान यहां पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी संख्या में जो है ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है आज किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कुछ और किसानों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ हाँ जी, क्या कुछ कहना है? फिरोजपुर तो आए हैं जी, जिला पंजाब चो जी, आई है इतने मोदी साहब के आए हैं, हम धरना लावे 6 महीने इतने रहेंगे जी, तो जो फैसला होगा उदो जाएंगे, उन्हें नहीं जाएंगे। क्या नुकसान क्या आपको बिलों का? आपको तो साढ़े ने खेती बाड़ी भी कही सारा कुछ किया। आप दिल्ली जा रहे हैं, यदि सरकार जो है इन कानूनों को रद्द नहीं करती तो आप क्या कुछ करने वाले हो दिल्ली में? दिल्ली में सारे रस्ते रोके हुए हैं, जो साढ़े आगू करेंगे, जो साढ़े आगू सानू आर्डर देंगे वो कुछ करेंगे। तो देख सकते हैं कि आप किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार जो है इन बिलों को रद्द नहीं करती तब तक वो इसी तरह दिल्ली में प्रदर्शन करते रहेंगे। तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, और सबसे पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो है ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पर पहुँचा है, वो तस्वीरें हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं। कुछ और किसान हमारे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं? आए हैं है जेडे सरकार ने काले कानून किया पेश किया उन्होंने रद्द करवा जा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा आडे बिलों को रद्द करने को तैयार नहीं है। फिर तो यही है, अं निकले हैं पर करा के छड़ने जिन्हें चिर मर्जी लग जाए, भावें साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, पर तैयारियां फुल हाड़िया। क्या तैयारियां? सर्दी भी बढ़ रही है, कैसे आप? सर्दी का कोई सू खतरा नहीं है, कोई परवाह नहीं है, न्याण नालों सर्दी ज्यादा वही नहीं है, डेली पास नहीं है। कानूनों का आपके ऊपर है बिल जो है ये क्या असर पड़ने वाला आप लोगों के ऊपर? साढ़े गाँव आने वाली पीढ़ियां नस्ल साड़ियाँ खत्म करने तुली हुई है गंदी सरकार। थैंक यू, मेहरबानी। तो किसान जो है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी काफिले के साथ जो है ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है किसान दिल्ली की ओर लगातार कूच कर रहे हैं। कुछ और किसान जो है हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी किसान जो है यहां पर मौजूद है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आटा दाल सब्जी
यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान इन्हें फंड दे रहा है, प्रदर्शन देख सकते हैं कि जो किसान है वो लगातार कुछ कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये किसान है खालिस्तानी और पाकिस्तानी, उन लोगों को क्या कहेंगे?